ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। उद्योग पर्व अध्याय 267 परशुराम जी और महर्षि कण्व का संधि के लिए अनुरोध तथा दुर्योधन की उपेक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण जी ने ये सब बातें कही तो सभी सभासदों को रोमांच हो आया और वे चकित से हो गए। वे मन ही मन तरह तरह से विचार करने लगे, उनके मुख से कोई भी उत्तर नहीं निकला। सब राजाओं को इस प्रकार मौन हुआ देख उस सभा में बैठे हुए महर्षि परशुराम जी कहने लगे, हे राजन, तुम सब प्रकार का संदेह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो। वह तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। पहले दंभोधव नाम का एक सर्वभौम राजा हो गया है। वह महारथी सम्राट नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण और क्षत्रियों से पूछा करता था कि क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर हो। इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यंत गर्वमत्त होकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरता था। राजा का ऐसा घमंड देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणों ने उससे कहा, इस पृथ्वी पर ऐसे दो सत्य पुरुष हैं जिन्होंने संग्राम में अनेकों को परास्त किया है, उनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगे। इस पर उस राजा ने पूछा, वे वीर पुरुष कहाँ हैं? उन्होंने कहाँ जन्म लिया है? वे क्या काम करते हैं और वे कौन हैं? ब्राह्मणों ने कहा, वे नर और नारायण नाम के दो तपस्वी हैं। इस समय वे मनुष्य लोक में ही आए हुए हैं। तुम उनके साथ युद्ध करो। वे गंधमादन पर्वत पर बड़ा ही घोर और अवर्णनीय तप कर रहे हैं। राजा को यह बात सहन नहीं हुई। वह उसी समय बड़ी भारी सेना सजाकर उनके पास चल दिया और गंधमादन पर जाकर उनकी खोज करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे वे दोनों मुनि दिखाई दिए। उनके शरीर की शिराएं तक दिखने लगी थी। शीत घाम और वायु को सहन करने के कारण वे बहुत ही कृश हो गए थे। राजा उनके पास गया और चरण स्पर्श कर उनसे कुशल पूछी। मुनियों ने भी फल मूल आसन और जल से राजा का सत्कार करके पूछा, कहिए हम आपका क्या काम करें? राजा ने उन्हें आरंभ से ही सब बातें सुनाकर कहा कि इस समय मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। यह मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा है, इसीलिए इसे स्वीकार करके ही आप मेरा आतिथ्य कीजिए। नर नारायण ने कहा, हे राजन, इस आश्रम में क्रोध लोभ आदि दोष नहीं रह सकते। यहाँ युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है, फिर अस्त्र शस्त्र या कुटिल प्रकृति के लोग कैसे रह सकते हैं? पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं। तुम किसी दूसरी जगह जाकर युद्ध के लिए प्रार्थना करो। नर नारायण के इसी प्रकार बार बार समझाने पर भी दंभोधव की युद्ध लिप्सा शांत ना हुई और इसके लिए उनसे आग्रह करता ही रहा। तब भगवान जी नर ने एक मुट्ठी सी के लेकर कहा, अच्छा, तुम्हें युद्ध की बड़ी लालसा है तो अपने हथियार उठा लो और अपनी सेना को तैयार करो। यह सुनकर दंभोधव और उसके सैनिकों ने उन पर बड़े पैने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। भगवान नर ने एक सीक को अमोघ अस्त्र के रूप में परिणित करके छोड़ा। इससे यह बड़े आश्चर्य की बात हुई
कि मुनिवर नर ने उन सब वीरों के आंख नाक और कानों को सीकों से भर दिया। इसी प्रकार सारे आकाश को सफेद सीकों से भरा देखकर राजा दंभोद्धव उनके चरणों में गिर पड़ा और मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार चिल्लाने लगा। तब शरणागत वत्सल नर ने शरणापन्न राजा से कहा, हे राजन, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो और धर्म का आचरण करो, ऐसा काम फिर कभी मत करना। तुम बुद्धि का आश्रय लो और लोभ को छोड़ दो तथा अहंकार शून्य जितेंद्रिय क्षमाशील मृदु और शांत होकर प्रजा का पालन करो। अब भविष्य में तुम किसी का अपमान मत करना। इसके बाद राजा दंभोद्धव उन मुनीश्वरों के चरणों में प्रणाम कर अपने नगर में लौट आया और अच्छी तरह धर्म अनुकूल व्यवहार करने लगा। इस प्रकार उस समय नर ने यह बड़ा भारी काम किया था। इस समय नर ही अर्जुन है, अतः जब तक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर वाण ना चढ़ावे तभी तक तुम मान छोड़कर अर्जुन की शरण ले लो। जो संपूर्ण जगत के निर्माता, सबके स्वामी और समस्त कर्मों के साक्षी हैं, वे नारायण अर्जुन के सखा हैं। इसीलिए युद्ध में उनके पराक्रम को सहना तुम्हारे लिए कठिन होगा। अर्जुन में अगणित गुण हैं और श्री कृष्ण जी तो उससे भी बढ़कर हैं। कुंती पुत्र, अर्जुन के गुणों का तो तुम्हें भी कई बार परिचय मिल चुका है। जो पहले नर और नारायण थे वे ही इस समय अर्जुन और श्री कृष्ण जी हैं। उन दोनों को तुम समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ और बड़े वीर समझो। यदि तुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और मेरे प्रति किसी प्रकार का संदेह ना हो तो तुम सद्बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। परशुराम जी का भाषण सुनकर महर्षि कर्णव भी दुर्योधन से कहने लगे, लोक पितामह ब्रह्मा जी और नर नारायण ये अक्षय और अविनाशी हैं। आदिति के पुत्रों में केवल विष्णु जी ही सनातन अजय अविनाशी नित्य और सबके ईश्वर हैं। उनके सिवा चंद्रमा सूर्य पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ग्रह और तारे ये सभी विनाश का कारण उपस्थित होने पर नष्ट हो जाते हैं। जब संसार का प्रलय होता है तो ये सभी पदार्थ तीनों लोकों को त्याग कर नष्ट हो जाते हैं और सृष्टि का आरंभ होने पर बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। इन सब बातों पर विचार करके तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए, जिससे कौरव और पांडव मिलकर पृथ्वी का पालन करें। हे दुर्योधन, तुम ऐसा मत समझो कि मैं बड़ा बली हूँ। संसार में बलवानों की अपेक्षा भी दूसरे बली पुरुष दिखाई देते हैं। सच्चे शूरवीरों के सामने सेना की शक्ति कुछ काम नहीं करती। पांडव लोग तो सभी देवताओं के समान शूरवीर और पराक्रमी हैं। वे स्वयं वायु इंद्र धर्म और दोनों अश्विनी कुमार ही हैं। इन देवताओं की ओर तो तुम देख भी नहीं सकते, इसीलिए इनसे विरोध छोड़कर संधि कर लो। तुम्हें इन तीर्थ स्वरूप श्री कृष्ण जी के द्वारा अपने कुल की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ महातपस्वी देव ऋषि नारद जी विराजमान हैं। ये श्री विष्णु भगवान जी के महात्म्य को प्रत्यक्ष जानते हैं और वे चक्र गदाधर श्री विष्णु जी ही यहाँ श्री कृष्ण रूप में विद्यमान हैं। महर्षि कर्णव की बात सुनकर दुर्योधन लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसकी त्योरी चढ़ गई
और वह कणव जी की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस दुष्ट ने कणव के कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ताल ठोक कर इस प्रकार कहने लगा, हे महर्षि, जो कुछ होने वाला है और जैसी मेरी गति होनी है उसी के अनुसार ईश्वर ने मुझे रचा है और वैसा ही मेरा आचरण है, उसमें आपके कथन से क्या होना है। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 268, भगवान श्री कृष्ण जी का दुर्योधन को समझाना तथा भीष्म, द्रोण जी, विदुर और धृतराष्ट्र द्वारा उनका समर्थन। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, भगवान वेदव्यास जी, भीष्म और नारद जी ने भी दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाया। उस समय नारद जी ने जो बातें कही थी वे सुनिए। उन्होंने कहा, संसार में सहृदय श्रोता मिलना कठिन है और हित की बात कहने वाला सुहृद भी दुर्लभ है, क्योंकि जिस संकट में अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं वहां भी सच्चा मित्र संग बना रहता है। अतः हे गुरुनंदन, तुम्हें अपने हितेशियों की बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस तरह हठ करना ठीक नहीं है, क्योंकि हठ का परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे भगवन, आप जैसा कह रहे हैं ठीक ही है, मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद वे श्री कृष्ण जी से कहने लगे, हे केशव, आपने जो कुछ कहा है वह सब प्रकार सुखप्रद, सदगति देने वाला, धर्म अनुकूल और न्याय संगत है, किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मंदमति दुर्योधन मेरे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता और ना शास्त्र का ही अनुसरण करता है। आप किसी प्रकार उसे समझाने का प्रयत्न करें। वह गंधारी बुद्धिमान विदुर जी तथा भीष्म आदि जो हमारे अन्य हितेशी हैं उनकी शुभ शिक्षा पर भी कुछ ध्यान नहीं देता। अब स्वयं आप ही इस पाप बुद्धि, क्रूर और दुरात्मा दुर्योधन को समझाइए। यदि इसने आपकी बात मान ली तो आपके हाथ से अपने सुहृदों का यह बड़ा भारी काम हो जाएगा। तब सब प्रकार के धर्म और अर्थ के रहस्यों को जानने वाले श्री कृष्ण जी मधुर वाणी में दुर्योधन से कहने लगे, हे कुरुनंदन, मेरी बात सुनो, इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा। तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है, इसीलिए तुम्हें यह शुभ काम कर डालना चाहिए। तुम जो कुछ करना चाहते हो वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में पैदा हुए हैं तथा दुष्टचित्त, क्रूर और निर्लज्ज हैं। इस विषय में तुम्हारी जो हठ है वह बड़ी भयंकर अधर्म रूप और प्राणों की प्यासी है, उससे अनिष्ट ही होगा। उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है और ना वह सफल ही हो सकती है। इस अनर्थ को त्याग देने पर ही तुम अपना तथा अपने भाई सेवक और मित्रों का हित कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म और आयश की प्राप्ति कराने वाला काम करना चाहते हो उससे छूट जाओगे। देखो, पांडव लोग बड़े बुद्धिमान, शूरवीर, उत्साही, आत्मज्ञ और बहुश्रुत हैं। तुम उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारा हित है। और यही महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म
द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, व्राहिक, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विभीषति तथा तुम्हारे अधिकांश बंधु बांधवों और मित्रों को प्रिय भी हैं। हे भाई, संधि करने में ही सारे संसार की शांति है। तुम में लज्जा, शास्त्र ज्ञान और अक्रूरता आदि गुण भी हैं, अतः तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसे सब लोग हितकारी मानते हैं। जब मनुष्य बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है तब उसे अपने पिता की सीख ही याद आती है। तुम्हारे पिताजी को तो पांडवों से संधि करना अच्छा मालूम होता है, अतः तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को भी यह प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिए। जो पुरुष मोहवश हित की बात नहीं मानता उस दीर्घ सूत्री का कोई काम पूरा नहीं होता और कोरा पश्चाताप ही उसके पल्ले पड़ता है। किंतु जो हित की बात सुनकर अपने मत को छोड़ पहले उसी का आचरण करता है वह संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। जो पुरुष अपने मुख्य सलाहकारों को छोड़कर नीच प्रकृति के पुरुषों का संग करता है वह बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है और फिर उसे उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। हे तात, तुमने जन्म से ही अपने भाइयों के साथ कपट का व्यवहार किया है, तो भी यशस्वी पांडवों ने तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रखा है। तुम्हें भी उनके प्रति वैसा ही वर्ताव करना चाहिए। वे तुम्हारे खास भाई ही हैं, उन पर तुम्हें रोष नहीं रखना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा काम करते हैं जो अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति कराने वाला हो, और यदि उससे इन तीनों की सिद्धि होने की संभावना नहीं होती तो वे धर्म और अर्थ को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थ, धर्म और काम ये तीनों अलग अलग हैं। बुद्धिमान पुरुष इनमें से धर्म के अनुकूल रहते हैं, मध्यम पुरुष अर्थ को प्रधान मानते हैं और मूर्ख कलह के हेतुभूत काम के गुलाम बने रहते हैं। किंतु जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है वह दूषित उपायों से अर्थ और काम प्राप्ति की वासना में फंसकर नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य अर्थ और काम के लिए उत्सुक हो उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। विद्वान लोग धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र कारण बताते हैं। जो पुरुष अपने साथ सद्व्यवहार करने वाले लोगों से दुर्व्यवहार करता है वह कुल्हाड़ी से बन के समान आप ही अपनी जड़ काटता है। मनुष्य को चाहिए कि जिसे नीचा दिखाने की इच्छा ना हो उसकी बुद्धि को लोभ से भ्रष्ट ना करे। इस प्रकार जिसकी बुद्धि लोभ से दूषित नहीं है उसी का मन कल्याण साधन में लग सकता है। ऐसा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष पांडवों का तो क्या संसार में किन्हीं साधारण मनुष्यों का भी अनादर नहीं करता। किंतु क्रोध के चंगुल में फंसा हुआ मनुष्य अपना हिताहित कुछ नहीं समझता। लोक और वेद में जो बड़े बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं उनसे भी वह गिर जाता है। अतः दुर्जनों की अपेक्षा यदि तुम पांडवों का संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुम जो पांडवों की ओर मुंह मोड़कर किसी दूसरे के भरोसे से अपनी रक्षा करना चाहते हो
तथा दुःशासन करण और शकुनी के हाथ में अपना ऐश्वर्य सौंप कर पृथ्वी को जीतने की आशा रखते हो, सो याद रखो ये तुम्हें ज्ञान धर्म और अर्थ की प्राप्ति नहीं करा सकते। पांडवों के सामने इनका कुछ भी पराक्रम नहीं चल सकता। तुम्हें साथ रखकर भी ये सब राजा पांडवों की टक्कर नहीं झेल सकते। तुम्हारे पास यह जितनी सेना इकट्ठी हुई है, यह क्रोधित भीमसेन के मुख की ओर तो आंख भी नहीं उठा सकती। ये भीष्म, द्रोण, करण, कृप, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और जयद्रथ मिलकर भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन को युद्ध में परास्त करना तो समस्त देवता, असुर, गंधर्व और मनुष्यों के भी वश की बात नहीं है। इसीलिए तुम युद्ध में अपना मन मत लगाओ। अच्छा, भला तुम ही इन सब राजाओं में कोई ऐसा वीर दिखाओ जो रणभूमि में अर्जुन का सामना करके फिर सहकुशल घर लौट सकता हो। इसके लिए विराट नगर में अकेले अर्जुन की अनेकों महारथियों से युद्ध करने की जो अद्भुत बात सुनी जाती है, वही पर्याप्त प्रमाण है। अजी, जिसने संग्राम में साक्षात श्री भगवान शंकर जी को भी संतुष्ट कर दिया, उस अजय और विजय वीर अर्जुन को तुम जीतने की आशा रखते हो, फिर जब मैं भी उसके साथ हूँ तब तो साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो। ऐसा कौन है जो अपने मुकाबले में आए हुए अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार सके। जो पुरुष युद्ध में अर्जुन को जीतने की शक्ति रखता है, वह तो अपने हाथों से पृथ्वी को उठा सकता है, क्रोध से सारी प्रजा को भस्म कर सकता है और देवताओं को भी स्वर्ग से गिरा सकता है। तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, बंधु, बांधव और संबंधियों की ओर तो देखो, ये तुम्हारे लिए नष्ट ना हो। देखो, कौरवों का बीज बना रहने दो, इस वंश का प्रभाव मत करो, अपने को कुल घाती मत कहलाओ और अपनी कीर्ति को कलंकित मत करो। महारथी पांडव तुम्हें ही युवराज बनाएंगे और इस साम्राज्य पर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को ही स्थापित करेंगे। देखो, बड़े उत्साह से अपने पास आती हुई राजलक्ष्मी का तिरस्कार मत करो और पांडवों को आधा राज्य देकर यह महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो अपने हितेशियों की बात मानोगे तो चीरकाल तक अपने मित्रों के साथ आनंद पूर्वक सुख भोगोगे। हे भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, श्री कृष्ण जी का यह भाषण सुनकर शांतनु नंदन भीष्म जी ने दुर्योधन से कहा, हे तात, अपने सुहृदों का हित चाहने वाले श्री कृष्ण जी ने तो तुम्हें समझाया है, इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ असहिष्णुता छोड़ दो। यदि तुम महामाना श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और ना तुम सुख ही पा सकोगे। श्री केशव ने जो कुछ कहा है वह धर्म और अर्थ के अनुकूल है, तुम उसे स्वीकार कर लो, व्यर्थ प्रजा का संहार मत कराओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों को अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। हे भरत नंदन, श्री कृष्ण जी धृतराष्ट्र
और विदुर जी के नीति युक्त वचनों का उल्लंघन करके तुम अपने को कुलघ्न, कुपुरुष, कुमति और कुमार्गगामी मत कहलाओ तथा अपने माता पिता को शोक सागर में मत डुबाओ। इसके बाद द्रोणाचार्य जी ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण जी और भीष्म जी बड़े बुद्धिमान, मेधावी, जितेंद्रिय, अर्थनिष्ठ और बहुश्रुत हैं। उन्होंने तुम्हारे हित की ही बात कही है, तुम उसे मान लो और मोहवश श्री कृष्ण जी का तिरस्कार मत करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा। ये तो संग्राम में शत्रुओं के प्रति वैर विरोध का घंटा दूसरों के ही गले में बांधेंगे। तुम अपनी प्रजा और पुत्र तथा बंधु बांधवों के प्राणों को संकट में मत डालो। यह बात निश्चय मानो कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी होंगे उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा। यदि तुम अपने हितेशियों की बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा। परशुराम जी ने अर्जुन के विषय में जो कुछ कहा है वास्तव में वह उससे भी बढ़कर है, तथा देवकी नंदन श्री कृष्ण जी तो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। किंतु हे राजन, तुम्हारे सुख और हित की बात कहने से बनता क्या है। अस्तु, तुमसे सब बातें समझाकर कह दी गई, अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। इसी बीच में विदुर जी भी बोल उठे, हे दुर्योधन, तुम्हारे लिए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माँ बाप की ओर देखकर ही शोक होता है। जो तुम्हारे जैसे दुष्ट हृदय पुरुष के संरक्षण में होने से एक दिन अपने सब सलाहकार और सुहृदों के मारे जाने पर कटे हुए पक्षियों के समान असहाय होकर भटकेंगे। अंत में राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, हे दुर्योधन, महात्मा कृष्ण जी ने जो बात कही है वह सब प्रकार कल्याण करने वाली है, तुम उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। देखो, पुण्यकर्मा श्री कृष्ण जी की सहायता से हम सब राजाओं से अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तुम इनके साथ राजा युधिष्ठर के पास जाओ और वह काम करो जिससे सब भरत वंशियों का मंगल हो। मेरी समझ में तो यह संधि करने का ही समय है, तुम इसे हाथ से मत जाने दो। देखो, श्री कृष्ण जी संधि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। इस समय यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 269, दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण जी का विवाद, दुर्योधन का सभा त्याग, धृतराष्ट्र का गंधारी को बुलाना और उसका दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे केशव, आपको अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए। आप तो पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर उल्टी सीधी बातें कहते हुए विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। सो क्या आप बलाबल का विचार करके ही सर्वदा मेरी निंदा किया करते हैं। मैं देखता हूँ आप विदुर जी, पिताजी, आचार्य जी और दादाजी अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोष लाद रहे हैं।
मैंने तो खूब विचार कर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा दोष दिखाई नहीं देता। पांडव लोग अपने ही शौक से जुआ खेलने में प्रवृत्त हुए थे। उसमें मामा शकुनी जी ने उनका राज्य जीत लिया, इसी से उन्हें वन में जाना पड़ा। बताइए इसमें मेरा क्या अपराध था जो हमारे साथ बैर ठान कर वे विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं पांडवों में हमारा सामना करने की शक्ति नहीं है, फिर भी बड़े उत्साह के साथ वे हमारे प्रति शत्रुओं का सा वर्ताव क्यों कर रहे हैं। हम उनके भयानक कर्मों को देखकर या आप लोगों की भीषण बातों को सुनकर डरने वाले नहीं हैं। इस प्रकार तो हम इंद्र के सामने भी नहीं झुक सकते। हे कृष्ण, हमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखाई नहीं देता जो युद्ध में हमें जीतने की हिम्मत रखता हो। भीष्म, द्रोण, कृप और करण को तो देवता लोग भी युद्ध में नहीं जीत सकते, पांडवों की तो बात ही क्या है। फिर सर्वधर्म का पालन करते हुए हम यदि युद्ध में काम ही आ गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे। यह तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म है। इस प्रकार यदि हमें युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई तो कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का धर्म है। ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट भले ही हो जाए किंतु उसे झुकना नहीं चाहिए। मुझ जैसा वीर पुरुष तो धर्म रक्षा के लिए केवल ब्राह्मणों को नमस्कार करता है और किसी को तो नहीं समझता। यही क्षत्रिय का धर्म है और यही मेरा मत है। पिताजी मुझे पहले तो राज्य का भाग दे चुके हैं, उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता। मेरी बाल्य अवस्था में अज्ञान या भय के कारण ही पांडवों को राज्य मिल गया था, अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता। हे केशव, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो पांडवों को इतनी भूमि भी नहीं दे सकता जितनी कि एक बारीक सुई की नोक से छिद सकती है। दुर्योधन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण जी की त्योरी चढ़ गई। फिर उन्होंने कुछ देर विचार कर कहा, हे दुर्योधन, यदि तुम्हें वीर शैया की इच्छा है तो कुछ दिन अपने मंत्रियों के सहित धैर्य धारण करो, तुम्हें अवश्य वही मिलेगी और तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। पर याद रखो, बड़ा भारी जनसंहार होगा और तुम जो ऐसा मानते हो तो पांडवों के साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सो इस विषय में यहाँ जो राजा लोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें। देखो, पांडवों के वैभव से जल भुनकर तुमने और शकुनी ने ही तो जुआ खेलने की खोटी सलाह की थी। जुआ तो भले आदमियों की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है ही, जो दुष्ट पुरुष इसमें प्रवृत्त होते हैं उनमें कलह और कलेश की ही वृद्धि होती है। और तुमने द्रौपदी को सभा में बुलाकर खुल्लम खुल्ला जैसी जैसी अनुचित बातें कही थी, अपनी भाभी के साथ ऐसी कुचाल क्या कोई भी कर सकता है। अपने सदाचारी, अलोलुप और सर्वदा धर्म का आचरण करने वाले भाइयों के साथ कौन भला आदमी ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है। उस समय करण, दुःशासन और तुमने क्रूर और नीच पुरुषों के समान अनेकों कटु शब्द कहे थे। तुमने वारणावत में बालक पांडवों को उनकी माता के सहित फूक डालने का बड़ा भारी यत्न किया था,
उस समय पांडवों को बहुत सा समय अपनी माता के सहित छिपे छिपे एक चक्रा नगरी में रहकर बिताना पड़ा था। इसके सिवा विष देने आदि अनेकों उपायों से तुम पांडवों को मारने का यत्न करते रहे हो, परंतु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हुआ। इस प्रकार पांडवों के प्रति तुम्हारी सर्वदा खोटी बुद्धि और कपटमय आचरण रहा है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि महात्मा पांडवों के प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है? यदि तुम पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दोगे तो हे पापात्मन, याद रखो तुम्हें ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर और उनके हाथ से मरकर वह देना पड़ेगा। तुमने कुटिल पुरुषों के समान पांडवों के साथ अनेकों न करने योग्य काम किए हैं और आज भी तुम्हारी उल्टी चाल ही दिखाई दे रही है। तुम्हारे माता पिता, पितामह, आचार्य और विदुर जी बार बार कह रहे हैं कि तुम संधि कर लो, फिर भी तुम संधि करने को तैयार नहीं हो। अपने इन हितेशियों की बात को ना मानकर तुम कभी सुख नहीं पा सकते। तुम जो काम करना चाहते हो वह तो अधर्म और अपयश का ही कारण है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी यह सब बातें कह रहे थे, उस समय बीच ही में दुःशासन दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगा, हे राजन, आप यदि अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो मालूम होता है ये भीष्म, द्रोण और हमारे पिताजी आपको, मुझे और कर्ण को बांधकर पांडवों के हाथ में सौंप देंगे। भाई की यह बात सुनकर दुर्योधन का क्रोध और भी बढ़ गया और वह सांप की तरह फुफकार मारता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, वराहिक, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण जी इन सभी का तिरस्कार कर वहां से चलने को तैयार हो गया। उसे जाते देख उसके भाई, मंत्री और सब राजा लोग भी सभा छोड़कर चल दिए। तब पितामह भीष्म जी ने कहा, राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्ट चित्त है, यह दूषित उपायों का ही आश्रय लेता है। इसे राज्य का झूठा अभिमान है तथा क्रोध और लोभ ने इसे दबा रखा है। हे श्री कृष्ण जी, मैं तो समझता हूँ इन सब क्षत्रियों का काल आ गया है। इसी से अपने मंत्रियों के सहित ये सब दुर्योधन का अनुसरण कर रहे हैं। भीष्म जी की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, कौरवों में जो वायोवृद्ध हैं उन सभी की यह बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्य के मंद से उन्मत्त दुर्योधन को बलात् कैद नहीं कर लेते। इस विषय में मुझे जो बात स्पष्टतया हित की जान पड़ती है वह मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ। आपको यदि वह अनुकूल और रुचिकर जान पड़े तो कीजिएगा। देखिए, भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी और दुर्बुद्धि था। उसने पिता के जीवित रहते उनका राज्य छीन लिया था। अंत में उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अतः आप लोग भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन इन चारों को बांधकर पांडवों को सौंप दीजिए। कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, ग्राम की रक्षा के लिए कुल को, देश की रक्षा के लिए ग्रामों को और अपनी रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। इसीलिए आप लोग भी दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लीजिए। इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियों का नाश तो ना होगा
श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, हे भैया, तुम परम बुद्धिमती गंधारी के पास जाओ और उसे यहाँ लेवा लाओ। मैं उसके साथ दुरात्मा दुर्योधन को समझाऊंगा। तब विदुर जी दीर्घ दर्शनी गंधारी को सभा में ले आए। उससे धृतराष्ट्र ने कहा, हे गंधारी, तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मानता। इसने अशिष्ट पुरुषों के समान सब मर्यादा छोड़ दी है। देखो, वह हितेशियों की बात ना मानकर इस समय अपने पापी और दुष्ट साथियों के सहित सभा से चला गया है। पति की यह बात सुनकर यशस्विनी गंधारी ने कहा, हे राजन, आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसीलिए इस विषय में तो आप ही अधिक दोषी हैं। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहे हैं। दुर्योधन को तो काम क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलात् भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख दुरात्मा कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बांग डोर संभला दी। उसी का आप यह फल भोग रहे हैं। आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं? इस तरह सब जनों के फूटने पर तो शत्रु लोग आपकी हंसी करेंगे। देखिए, यदि साम या भेद से ही विपत्ति टल सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान सब जनों के दंड का प्रयोग क्यों करेगा? इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और गंधारी के कहने से विदुर जी दुर्योधन को फिर सभा में लिवा लाए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और वह सर्प के समान फुफकारे सी भर रहा था। इस समय माता क्या कहती है यह सुनने के लिए फिर राजसभा में आ गया। तब गंधारी ने दुर्योधन को छिड़क कर संधि करने के लिए इस प्रकार कहा, हे बेटा दुर्योधन, मेरी यह बात सुनो। इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतान का हित होगा तथा भविष्य में भी तुम्हें सुख मिलेगा। तुमसे तुम्हारे पिता भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी ने जो बात कही है उसे तुम स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो सच मानो इससे पितामह भीष्म की, पितामह जी की, मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने हितेशियों की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। हे भैया, राज्य को पाना, बचाना और भोगना अपने वश की बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से रहित कर देते हैं। हाँ, इन दोनों शत्रुओं को जीत कर तो राजा सारी पृथ्वी को जीत सकता है। देखो, जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग ही में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को काबू में ना रखा जाए तो वे मनुष्य का नाश करने के लिए भी पर्याप्त हैं। जो पुरुष पहले अपने मन को जीत लेता है उसकी अपने मंत्रियों और शत्रुओं को जीतने की इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार इंद्रियां जिसके वश में हैं, मंत्रियों पर जिसका अधिकार है, अपराधियों को जो दंड दे सकता है और जो सब काम सोच समझ कर करता है उसके पास चिरकाल तक लक्ष्मी बनी रहती है। हे तात, भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है। वास्तव में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी को कोई नहीं जीत सकता।
इसीलिए तुम श्री कृष्ण जी की शरण लो। यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षों का हित होगा। हे भैया, युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उसमें धर्म और अर्थ ही नहीं है, तो सुख कहाँ से होगा। युद्ध में विजय मिल ही जाएगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए युद्ध में मन मत लगाओ। यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्याय उचित भाग है वह उन्हें दे दो। पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया यह भी बड़ा अपराध हुआ है। अब संधि करके तुम इसका मार्जन कर दो। तुम जो पांडवों का भाग भी हड़पना चाहते हो वैसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है, और ये कर्ण तथा दुःशासन भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि भीष्म, द्रोण और कृप आदि महारथी अपनी पूरी शक्ति से मेरी ओर से युद्ध करेंगे, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि इन आत्मज्ञों की दृष्टि में तो तुम्हारा और पांडवों का समान स्थान है। इसीलिए इनके लिए तुम दोनों का राज्य और प्रेम भी समान ही है, तथा धर्म को ये उससे अधिक मानते हैं। इस राज्य का अन्न खाने के कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें, किंतु राजा युधिष्ठर की ओर कभी टेढ़ी दृष्टि नहीं करेंगे। हे तात, संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती, अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 270। दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान जी का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, माता के कहे हुए इन नीति युक्त वाक्यों पर दुर्योधन ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह बड़े क्रोध से सभा को छोड़कर अपने दुष्ट बुद्धि मंत्रियों के पास चला आया। फिर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुःशासन, इन चारों ने मिलकर यह सलाह की कि देखो, यह कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमें कैद करना चाहता है, सो पहले हम ही लोग इसे बलात् कैद कर लें। कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडवों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा और वे की कृत्य विमूढ़ हो जाएंगे। सात्यकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, वे तुरंत ही उनका भाव ताड़ गए और सभा से बाहर आकर कृतवर्मा से बोले, शीघ्र ही सेना सजाओ और जब तक मैं इनके कुविचार की श्री कृष्ण जी को सूचना दूं, तुम स्वयं कवच धारण कर सेना को व्यूह रचना की रीति से खड़ी करके सभा भवन के द्वार पर आ जाओ। फिर सिंह जैसे गुफा में जाता है उसी प्रकार सभा में जाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी से उनका वह कुविचार कह दिया। फिर वे मुस्कुराकर राजा धृतराष्ट्र और विदुर जी से कहने लगे, सत्य पुरुषों की दृष्टि में दूत को कैद करना धर्म, अर्थ और काम के सर्वदा विरुद्ध है, किंतु ये मूर्ख वही करने का विचार कर रहे हैं। इनका यह मनोरथ किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता, ये बड़े ही शूद्र हृदय हैं। इन्हें नहीं सूझता कि श्री कृष्ण जी को कैद करना वैसा ही है जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में लपेटना चाहे।
सात्यकी की यह बात सुनकर दीर्घदर्शी विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, मालूम होता है आपके सभी पुत्रों को मौत ने घेर रखा है, इसी से वे ना करने योग्य और अपयश की प्राप्ति कराने वाला काम करने पर कमर कसे हुए हैं। देखिए ना, ये लोग आपस में मिलकर बलात् इन कमल नयन श्री कृष्ण जी का तिरस्कार करके इन्हें कैद करने का विचार कर रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि आग के पास जाते ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते ही इनका खोज मिट जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, यदि ये क्रोध में भरकर मुझे कैद करने का साहस कर रहे हैं तो आप जरा आज्ञा दे दीजिए, फिर देखें ये मुझे कैद करते हैं या मैं इन्हें बांध लेता हूँ। अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हें और इनके अनुयायियों को बांधकर पांडवों को सौंप दूं तो मेरा यह काम अनुचित तो नहीं होगा? हे राजन, मैं आपके सब पुत्रों को आज्ञा देता हूँ, दुर्योधन की जैसी इच्छा है वह वैसा देखे। इस पर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, तुम शीघ्र ही पापी दुर्योधन को ले आओ, संभव है इस बार मैं उसके अनुयायियों सहित उसे ठीक रास्ते पर ला सकूं। विदुर जी दुर्योधन की इच्छा ना होने पर भी उसे फिर सभा में ले आए। उस समय उसके भाई और राजा लोग भी उसके साथ ही लगे हुए थे। तब राजा धृतराष्ट्र ने उससे कहा, क्यों रे कुटिल, हे दुर्योधन, तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर एकदम पाप कर्म करने पर ही उतारू हो गया है। याद रख, तुझ जैसा मूड और कुल कलंक पुरुष जो कुछ करने का विचार करेगा वह कभी पूरा नहीं होगा, उससे सत्य पुरुष तेरी निंदा करेंगे। कहते हैं तू अपने पापी साथियों से मिलकर इन श्री कृष्ण जी को कैद करना चाहता है, सो इन्हें तो इंद्र के सहित सब देवता भी अपने काबू में नहीं कर सकते, तेरा यह दुःसाहस तो ऐसा है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे। मालूम होता है तुझे श्री केशव जी के प्रभाव का कुछ भी पता नहीं है। अरे, जैसे वायु को साथ से नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वी को सिर पर नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्री कृष्ण जी को कोई बल से नहीं बांध सकता। इसके बाद विदुर जी बोले, हे दुर्योधन, तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण जी को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानवों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? इन्होंने बाल्य अवस्था में ही पूतना और वकासुर को मार डाला था, गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था, तथा अरिष्टासुर, धेनुकासुर, चाणूर, केशी और कंस को भी धूल में मिला दिया था। इनके सिवा ये जरासंध, दंतवक्त्र, शिशुपाल, वाणासुर तथा और भी अनेकों राजाओं को नीचा दिखा चुके हैं। साक्षात वरुण, अग्नि और इंद्र भी इनसे हार मान चुके हैं। अपने अन्य अवतारों में ये मधु, कैटभ और हाइग्रीव आदि अनेकों देवताओं को पछाड़ चुके हैं। ये संपूर्ण प्रवृत्तियों के प्रेरक हैं, किंतु स्वयं
किसी की भी प्रेरणा से कोई काम नहीं करते, यही सकल पुरुषार्थों के कारण है। ये जो कुछ करना चाहें वही काम अन्यास कर सकते हैं, तुम्हें इनके प्रभाव का पता नहीं है। देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार करने का साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा। जैसे अग्नि में गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है, विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे दुर्योधन, तुम जो अज्ञानवश यह समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबा कर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो, समस्त पांडव और वृषिण तथा अंधक वंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षि गण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण जी ने अट्टहास किया। बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा जी, वक्ष स्थल में रुद्र जी, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्नि देव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्वनी कुमार, इंद्र के सहित मरुदगण, विश्व देव तथा यक्ष, गंधर्व और राक्षस, ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए। उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी और हलधर बलराम बाईं ओर थे। भीम, युधिष्ठर और नकुल, सहदेव उनके पृष्ठ भाग में थे तथा प्रद्युमन आदि अंधक और वर्षिणी वंशी यादव अस्त्र शस्त्र लिए उनके आगे दिख रहे थे। उस समय श्री कृष्ण जी के अनेकों भुजाएं दिखाई देती थी। उनमें वे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, श्रांग, धनुष, हल और नंदक, खंडक लिए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और करण रंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें तथा रोम कूपों में से सूर्य की सी किरणें निकल रही थी। श्री कृष्ण जी के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। सभा भवन में भगवान जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर देवताओं की दुंदुभियों का शब्द होने लगा तथा आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे कमलनयन, सारे संसार के हितकर्ता आप ही हैं, अतः आप हम पर कृपा कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हों। मैं केवल आप ही के दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरे को देखने की मेरी इच्छा नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, गुरु नंदन, तुम्हारे अदृश्य रूप से दो नेत्र हो जाएं। यह सभा में बैठे हुए राजा और ऋषियों ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए हैं, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। उस समय पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और सब राजा भुचक्के से रह गए। फिर भगवान जी ने उस स्वरूप को तथा अपनी दिव्य, अद्भुत और चित्र विचित्र माया को समेट लिया। इसके पश्चात वे ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए।
उनके चलते ही नारद आदि ऋषि भी अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण जी को जाते देख राजाओं के सहित सब कौरव भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, किंतु श्री कृष्ण जी ने उन राजाओं की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इतने ही में दारुक उनका दिव्य रथ सजा कर ले आया। भगवान रथ पर सवार हुए, उनके साथ ही महारथी कृतवर्मा भी चढ़ता दिखाई दिया। इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, हे जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया। मैं तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार कौरव पांडवों में मेल हो जाए और इसके लिए प्रयत्न भी करता हूँ, किंतु अब मेरी दशा देखकर आप मुझ पर संदेह ना करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और ब्राहिक से कहा, इस समय कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ है वह आपने प्रत्यक्ष देख लिया तथा यह बात भी आप सबके सामने ही की है कि मंद बुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनक कर सभा से चला गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी इस विषय में अपने को असमर्थ बता रहे हैं, अतः अब मैं आप सब से आज्ञा चाहता हूँ और राजा युधिष्ठर के पास जाता हूँ। इस प्रकार आज्ञा लेकर जब भगवान रथ में चढ़कर चलने लगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, राहिक, अश्वत्थामा, विकर्ण और ययुसु आदि कौरव वीर कुछ दूर उनके पीछे गए। इसके बाद उन सब के देखते देखते भगवान जी अपनी बुआ कुंती से मिलने लगे। सारे बोलो भगवान लक्ष्मीपति नारायण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 271। कुंती का विदुला की कथा सुनाकर पांडवों के लिए संदेश देना तथा श्री कृष्ण जी का उससे विदा होकर पांडवों के पास जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, भगवान जी ने कुंती के घर जाकर उसका चरण स्पर्श किया तथा कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ था वह संक्षेप में सुना दिया। उन्होंने कहा, हे बुआ जी, मैंने और ऋषियों ने तरह तरह की युक्तियों से अनेकों मानने योग्य बातें कही, किंतु दुर्योधन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन के अनुयायी इन सब वीरों के सिर पर काल मंडरा रहा है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शीघ्र ही पांडवों के पास जाना है। बताओ, तुम्हारी ओर से मैं पांडवों से क्या कह दूं? कुंती ने कहा, हे केशव, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसकी बड़ी हानि हो रही है, सो अब तुम इसे वृथा मत खोना। हे बेटा, क्षत्रियों को प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपनी भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुबल से ही आजीविका करनी चाहिए। पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुचुकुंद को यह सारी पृथ्वी दे दी थी, परंतु मुचुकुंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब उसने अपने बाहुबल से इसे प्राप्त किया तभी शास्त्र धर्म का आश्रय लेकर उसने इसका यथावत शासन भी किया। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है उसका चतुरार्थ राजा को मिलता है। यदि राजा
धर्म का आचरण करता है तो देवलोक प्राप्त करता है और अधर्म करता है तो नरक में पड़ता है। यदि वह दंड नीति का भी ठीक ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णों के लोग अधर्म करने से रुक कर धर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। वास्तव में सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों का कारण राजा ही है। इस समय अपनी बुद्धि से तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो उसे तो तुम्हारे पिता पांडु ने, मैंने अथवा तुम्हारे पितामह ने भी कभी नहीं चाहा। मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, प्राज्ञा, संतान उत्पत्ति, महत्ता, बल और ओज की ही कामना करती रही हूँ। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह राज्य प्राप्त करके किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मिष्ट भाषण से अपने अधीन करे। ब्राह्मण भिक्षा वृत्ति से रहे, क्षत्रिय प्रजा पालन करे, वैश्य धन संग्रह करे और शूद्र इन सब की सेवा करे। तुम्हारे लिए भिक्षा वृत्ति निषिद्ध है और कृषि करना भी उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, प्रजा को भय से बचाने वाले हो। बाहुबल ही तुम्हारी आजीविका का साधन है। हे महाबाहो, तुम्हारे जिस पैतृक अंश को शत्रुओं ने हड़प लिया है, तुम्हें साम, दान, दंड, भेद या नीति आदि किसी भी उपाय से उसका उद्धार करना चाहिए। इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि तुम सा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए रहती हूँ। अतः शास्त्र धर्म के अनुसार तुम युद्ध करो। हे कृष्ण, इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ। उसमें विदुला और उसके पुत्र का संवाद है। विदुला क्षत्राणी थी। वह बड़ी यशस्वनी, तेज स्वभाव वाली, कुलीना, संयमशीला और दीर्घदर्शनी थी। राजसभाओं में उसकी अच्छी ख्याति थी और शास्त्र का भी उसे अच्छा ज्ञान था। एक बार उसका औरस पुत्र सिंधुराज से प्रास्त होकर बड़ी दीन दशा में पड़ा हुआ था। उस समय उसने उसे फटकारते हुए कहा, अरे हे अप्रिय दर्शी, तू मेरा पुत्र नहीं है और ना तूने अपने पिता के वीर्य से ही जन्म लिया है। तू तो शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला है। तुझमें जरा भी आत्माभिमान नहीं है, इसीलिए क्षत्रियों में तो तू गिना ही नहीं जा सकता। तेरे अवयव और बुद्धि आदि भी नपुंसकों के से हैं। अरे प्राण रहते तू निराश हो गया। यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्ध का भार उठा। तू अपने आत्मा का निरादर ना कर और अपने मन को स्वस्थ करके भय को त्याग दे। हे कायर, खड़ा हो जा, हार खाकर पड़ा मत रह। इस प्रकार तो तू अपना मान खोकर शत्रुओं को आनंदित कर रहा है। इससे तेरे सुहृदों का तो शोक बढ़ रहा है। देख, प्राण जाने की नौबत आ जाए तो भी पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बाज निशंक होकर आकाश में उड़ता रहता है, वैसे ही तू भी रणभूमि में निर्भय विचर। इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है जैसे कोई बिजली का मारा हुआ मुर्दा हो। बस तू खड़ा हो जा, शत्रुओं से हार खाकर पड़ा मत रह। तू साम, दान और भेद रूप, मध्यम, अधम और नीच उपायों का आश्रय मत ले। दंड ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी का आश्रय लेकर शत्रु के सामने
डट कर गर्जना कर वीर पुरुष रणभूमि में जाकर उच्च कोटि का मानवोचित पराक्रम दिखाकर अपने धर्म से ऊर्ण होता है। वह अपनी निंदा नहीं करता। विद्वान पुरुष फल मिले या ना मिले इसके लिए चिंता नहीं करता। वह तो निरंतर पुरुषार्थ साध्य कर्म करता रहता है। उसे अपने लिए धन की भी इच्छा नहीं होती। तू या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर जय लाभ कर, नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो। इस प्रकार धर्म को पीठ दिखाकर किस लिए जी रहा है? अरे हे नपुंसक, इस तरह तो तेरे इष्ट पूर्त आदि कर्म और सुयश सभी मिट्टी में मिल गए हैं, तथा तेरे भोग का साधन जो राज्य था वह भी नष्ट हो गया है। फिर तू किस लिए जी रहा? दान तप सत्य विद्या और धन संग्रह का प्रसंग चलने पर जिस पुरुष का सुयश नहीं गाया जाता वह तो अपनी माता की विष्ठा ही है। सच्चा मर्द तो वही है जो अपनी विद्या तप ऐश्वर्य और पराक्रम से दूसरे लोगों को दंग कर देता है। तुझे भिक्षावृत्ति की ओर नहीं ताकना चाहिए। वह तो अकीर्तिकारिणी दुखदायिनी और कायरों के काम की है। अरे हे संजय, मालूम होता है पुत्र रूप से मैंने कलयुग को ही जन्म दिया है। तुझ में जरा भी स्वाभिमान उत्साह या पुरुषार्थ नहीं है। तुझे देखकर शत्रुओं को ही सुख होता है। कोई भी कामनी ऐसे कुपुत्र को उत्पन्न ना करे जो अपने हृदय को लोहे के समान करके राज्य और धन आदि की खोज करता है और शत्रुओं के सामने डटा रहता है। वही पुरुष है जो स्त्रियों की तरह किसी प्रकार अपना पेट पाल लेता है, उसे पुरुष कहना व्यर्थ ही है। यदि शूरवीर तेजस्वी बलि और सिंह के समान पराक्रम करने वाला राजा वीर गति पा जाता है तो भी उसके राज्य में प्रजा को प्रसन्नता ही होती है। जिस प्रकार सभी प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग तथा तेरे सुहृदों की जीविका तुझ पर ही निर्भर होनी चाहिए। जा किसी पर्वतीय किले में जाकर रह और शत्रु के ऊपर आपातकाल आने की प्रतीक्षा कर। वह अजर अमर तो है ही नहीं। हे बेटा, तेरा नाम तो संजय है किंतु मुझे तुझ में ऐसा कोई गुण दिखाई नहीं देता। तू संग्राम में जय प्राप्त करके अपने नाम को सार्थक कर। जब तू बालक था उस समय एक भूत भविष्य को जानने वाले बुद्धिमान ब्राह्मण ने तुझे देखकर कहा था कि यह एक बार बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर फिर उन्नति करेगा। उस बात को याद करके मुझे तेरी विजय की पूरी आशा है। इसी से मैं तुझ से कह रही हूँ और फिर भी बार बार कहती रहूंगी। शंबर मुनि का कथन है कि जहाँ आज भोजन नहीं है ना कल के लिए ही कोई प्रबंध है, ऐसी चिंता रहती है उससे बढ़कर बुरी कोई दशा नहीं हो सकती। जब तू देखेगा कि आजीविका ना रहने से तेरे काम काज करने वाले दास सेवक आचार्य ऋत्विज और पुरोहित तुझे छोड़कर चले गए हैं तो तेरा वह जीवन किस काम का होगा? पहले मैंने या मेरे पति ने कभी किसी ब्राह्मण से नहीं कहा। अब यदि मुझे नहीं कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट जाएगा। हम सदा
दूसरों को आश्रय देते रहे हैं, दूसरे की आज्ञा सुनने की हमें आदत नहीं है। यदि मुझे किसी दूसरे के आश्रय जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। देख, यदि तूने जीवन का लोभ ना किया तो तेरे सभी शत्रु परास्त किए जा सकते हैं। तू युवा है तथा विद्या कुल और रूप से संपन्न है। यदि तुझ जैसा यशस्वी और जगद ख्यात पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य भार को ना उठावे तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूँ। यदि मैं तुझे शत्रु के साथ चिकनी चुपड़ी बातें बनाते या उसके पीछे पीछे चलते देखूंगी तो मेरे हृदय को कैसे शांति होगी। इस कुल में ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा जो अपने शत्रु का विछलंगु होकर रहा हो। हे भैया, तुझे शत्रु का सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित नहीं है। जिस पुरुष ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और जिसे शास्त्र धर्म का ज्ञान है, वह भय से अथवा आजीविका के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता। वह महामना वीर तो मत वाले हाथी के समान रणभूमि में विचरता है और केवल धर्म रक्षा के लिए सर्वदा ब्राह्मण के सामने ही झुकता है। पुत्र कहने लगा, हे माँ, तुम वीरों की सी बुद्धि वाली किंतु बड़ी ही निठुर और क्रोध करने वाली हो। तुम्हारा हृदय तो मानो लोहे का ही घड़कर बनाया गया है। अहो, क्षत्रियो का धर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं तुम ही दूसरे की माता के समान अथवा जैसे किसी दूसरे से कह रही हो। इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हो। मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो। जब तुम मुझे को नहीं देखोगी तो इस पृथ्वी गहने भोग और जीवन से भी तुम्हें क्या सुख होगा। फिर तुम्हारा अत्यंत प्रिय पुत्र मैं तो संग्राम में काम आ जाऊंगा। माता ने कहा, हे संजय, समझदारों की सब अवस्थाएं धर्म या अर्थ के लिए ही होती हैं। उन पर दृष्टि रखकर ही मैं तुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हूँ। यह तेरे लिए कोई दर्शनीय कर्म करके दिखाने का समय आया है। इस अवसर पर यदि तूने कुछ पराक्रम ना दिखाया तथा अपने शरीर या शत्रु के प्रति कढ़ाई से काम ना लिया तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा। इस तरह जब तेरे अपयश का अवसर सिर पर नाच रहा है, उस समय यदि मैं तुझसे कुछ ना कहूँ तो लोग मेरे प्रेम को गधी का सा कहेंगे तथा उसे सामर्थ्यहीन और निष्कारण बतावेंगे। अतः तू सत्य पुरुषों से निंदित तथा मूर्खों से सेवित मार्ग को छोड़ दे। जिसका आश्रय प्रजा ने ले रखा है वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। मुझे तो तू तभी प्रिय लगेगा जब मेरा आचरण सत्य पुरुषों के योग्य होगा। जो पुरुष विनयहीन, शत्रु पर चढ़ाई ना करने वाले दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र या पोत्र को पाकर भी सुख मनाता है, उसका संतान पाना व्यर्थ है। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते बल्कि निंदनीय कर्म का आचरण करते हैं, उन अधम पुरुषों को तो ना इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में ही। प्रजापति ने क्षत्रियों को तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करने के लिए ही रचा है। युद्ध में जय या मृत्यु प्राप्त करने से
क्षत्रिय इंद्रलोक प्राप्त कर लेता है। शत्रुओं को वश में करके क्षत्रिय जिस सुख का अनुभव करता है वह तो इंद्र भवन या स्वर्ग में भी नहीं है। पुत्र बोला, हे माताजी, यह ठीक है, किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उस पर जड़ और मूकवत होकर तुम्हें दया दृष्टि ही रखनी चाहिए। माता ने कहा, हे बेटा, जिस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है उसी प्रकार मैं तुझे तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ। जब तू सिंधु देश के सब योद्धाओं का संहार कर डालेगा तभी मैं तेरी प्रशंसा करूंगी। मैं तो तेरी कठिनता से प्राप्त होने वाली विजय ही देखना चाहती। पुत्र ने कहा, हे माताजी, मेरे पास ना तो खजाना है और ना कोई सहायक ही है, फिर मेरी जय कैसे होगी? इस विकट परिस्थिति का विचार करके मैं तो स्वयं ही राज्य की आशा छोड़ बैठा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा नहीं रखता, यदि इस स्थिति में भी तुम्हें कोई उपाय दिखाई देता हो तो मुझे बताओ, मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। माता बोली, हे बेटा, यदि आरंभ से ही अपने पास वैभव ना हो तो इसके लिए अपना तिरस्कार ना करें। ये धन संपत्ति पहले ना होकर पीछे हो जाते हैं तथा होकर नष्ट हो जाते हैं, अतः दहवश किसी भी प्रकार अर्थ संग्रह की ही नादानी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए तो बुद्धिमान पुरुष को धर्मानुसार ही प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों के फल के साथ तो सदा ही अनित्यता लगी हुई है, कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं मिलता। तो भी मतिमान पुरुष कर्म किया ही करते हैं, जो कर्म ही नहीं करते उन्हें तो कभी फल नहीं मिल सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह निश्चय रख कर कि मेरा अभिष्ट कर्म सिद्ध होगा ही, उसे करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और ऐश्वर्य प्राप्ति के कामों में जुटे रहना चाहिए। कर्म में प्रवृत्त होते समय पुरुष को मांगलिक कर्म करने चाहिए तथा ब्राह्मण और देवताओं का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से राजा की उन्नति होती है। जो लोग लोभी, शत्रु के द्वारा दलित और अपमानित तथा उससे डह करने वाले हैं उन्हें तू अपने पक्ष में कर ले। ऐसा करने से तू अपने बहुत से शत्रुओं का नाश कर सकेगा। उन्हें पहले ही से वेतन दे। रोज सवेरे ही उठ और सबके साथ प्रिय भाषण कर। ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे। जब शत्रुओं को यह मालूम हो जाता है कि मेरा प्रतिपक्षी प्राणपण से युद्ध करेगा तो उसका उत्साह ढीला पड़ जाता है। कैसी भी आपत्ति आने पर राजा को घबराना नहीं चाहिए। यदि घबराहट हो भी तो घबराए हुए के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राजा को भयभीत देखकर प्रजा, सेना और मंत्री भी डर कर अपना विचार बदल लेते हैं। उनमें से कोई तो शत्रुओं से मिल जाते हैं, कोई छोड़कर चले जाते हैं और कोई जिनका पहले अपमान किया होता है राज्य छीनने को तैयार हो जाते हैं। उस समय केवल वे ही लोग साथ देते हैं जो उसके गहरे मित्र होते हैं, किंतु हितेशी होने पर भी शक्तिहीन होने के कारण वे कुछ कर नहीं पाते। मैं तेरे पुरुषार्थ और
बुद्धि बल को जानना चाहती थी, इसी से तेरा उत्साह बढ़ाने के लिए तुझसे ये आश्वासन की बातें कही हैं। यदि तुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं ठीक कह रही हूँ तो विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसकर खड़ा हो जा। हमारे पास अभी बड़ा भारी खजाना है, उसे मैं ही जानती हूँ और किसी को उसका पता नहीं है, वह मैं तुझे सौंपती हूँ। हे संजय, अभी तो तेरे सैकड़ों सुहृद हैं, वे सभी सुख दुख को सहन करने वाले और संग्राम में पीठ न दिखाने वाले हैं। राजा संजय छोटे मन का आदमी था, किंतु माता के ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया। उसने कहा, मेरा यह राज्य शत्रु रूप जल में डूब गया है, अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमि में प्राण दे दूंगा। आहा, मुझे भावी वैभव का दर्शन कराने वाली तुम जैसी पथ प्रदर्शी का माता मिली है, फिर मुझे क्या चिंता है। मैं बारंबार तुम्हारी बातें सुनना चाहता था, इसी से बीच बीच में कुछ कहकर फिर मौन हो जाता था। तुम्हारे अमृत के समान वचन बड़ी कठिनता से सुनने को मिले थे, उनसे मुझे तृप्ति नहीं होती थी। अब मैं शत्रुओं का दमन करने और जय प्राप्त करने के लिए अपने बंधुओं के सहित चढ़ाई करता हूँ। कुंती कहती है, हे श्री कृष्ण जी, माता के वांग वाणों से बिंध कर चाबुक खाए हुए घोड़े के समान उसने माता के आज्ञा अनुसार सब काम किए। यह आख्यान बड़ा उत्साहवर्धक और तेज की वृद्धि करने वाला है। जब कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मंत्री उसे यह प्रसंग सुनावे। इस इतिहास को सुनने से गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है। यदि शत्राणी इसे सुनती है तो उसकी कोख से विद्याशूर, तपशूर, दानशूर, तेजस्वी, बलवान, धैर्यवान, अजय, विजयी, दुष्टों का दमन करने वाला, साधुओं का रक्षक, धर्मात्मा और सच्चा शूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है। हे केशव, तुम अर्जुन से कहना कि तेरा जन्म होने के समय मुझे यह आकाशवाणी हुई थी कि हे कुंती, तेरा यह पुत्र इंद्र के समान होगा, यह भीमसेन के साथ रहकर युद्ध स्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा, यह सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा। श्री कृष्ण जी की सहायता से यह सारे कौरवों को संग्राम में मारकर अपने खोए हुए पैतृक अंश को प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा। हे कृष्ण जी, मेरी भी ऐसी ही इच्छा है कि आकाशवाणी ने जैसा कहा था वैसा ही हो, और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा भी। तुम अर्जुन और भीमसेन से यही कहना कि शत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे करने का समय आ गया है। द्रौपदी से कहना कि हे बेटी, तू अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ धर्म अनुसार वर्ताव किया है, यह तेरे योग्य ही हैं। तथा नकुल और सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करो। हे कृष्ण जी, मुझे राज्य जाने, जुए में हारने
या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है, किंतु मेरी युवती पुत्र वधु ने सभा में रुदन करते हुए जो दुर्योधन के कुवचन सुने थे वे ही मुझे बड़ा दुख दे रहे हैं। वे भीम और अर्जुन के लिए तो बड़े ही अपमानजनक थे, तुम उन्हें उनकी याद दिला देना। फिर द्रौपदी पांडव और उनके पुत्रों से मेरी ओर से कुशल पूछना और उन्हें बार बार मेरी कुशल सुना देना। अब तुम जाओ, मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना, तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, तब भगवान कृष्ण जी ने कुंती जी को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करके बाहर आए। वहां आकर उन्होंने भीष्म आदि प्रधान प्रधान कौरवों को विदा किया तथा कर्ण को रथ में बैठाकर सात्यकी के साथ चल दिए। भगवान जी के जाने पर कौरव लोग आपस में मिलकर उनके विषय में अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें करने लगे। नगर से बाहर आकर श्री कृष्ण जी ने कर्ण के साथ कुछ गुप्त बातें की और फिर उसे विदा करके घोड़े हाँक दिए। वे इतनी तेजी से चले कि उस लंबे मार्ग को बात की बात में तय करके उपलब्ध में पहुंच गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 272, दुर्योधन के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य की बातचीत तथा श्री कृष्ण जी और कर्ण का गुप्त परामर्श। वैशंपायन जी कहते हैं, कुंती ने श्री कृष्ण जी को जो संदेश दिया था उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोण जी ने राजा दुर्योधन से कहा, हे राजन, कुंती ने श्री कृष्ण जी से जो अर्थ और धर्म के अनुकूल बड़े ही उग्र और मार्मिक वचन कहे हैं वे तुमने सुने। अब पांडव लोग श्री कृष्ण जी की सम्मति से वैसा ही करेंगे। वे आधा राज्य लिए बिना शांति से नहीं बैठेंगे, इसीलिए तुम अपने माँ बाप और हितेशियों की बात मान लो। अब संधि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ है। यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं रुचती तो रणगण में भीमसेन का भीषण सिंहनाद और गांडीव की टंकार सुनकर अवश्य याद आवेगी। यह सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया। उसने मुंह नीचा कर लिया तथा बोहें सिकोड़ कर टेढ़ी निगाह से देखने लगा। उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपस में एक दूसरे की ओर देखकर बात करने लगे। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर सदा ही हमारी सेवा करने को तत्पर रहता है। वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणों का भक्त और सत्यवादी है। उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। द्रोणाचार्य जी बोले, पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा भी अर्जुन में मेरा अधिक प्रेम है। वह भी बड़ा विनित है और मेरा बड़ा मान करता है। अब शास्त्र धर्म का आश्रय लेकर पुत्र से भी बढ़कर प्रिय उस धनंजय से ही मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इस शास्त्र वृत्ति को धिक्कार है। हे दुर्योधन, तुम्हें गुरु वृद्ध भीष्म जी, मैं, विदुर जी और कृष्ण जी सभी समझाकर हार गए, परंतु तुम्हें अपने हित की बात सुहाती ही नहीं। देखो, हम तो बहुत दान हवन और स्वाध्याय कर चुके हैं। हमने धन आदि देकर ब्राह्मणों को भी खूब तृप्त किया है।
और हमारी आयु भी अब बीत चुकी है, इसीलिए हमने तो जो करना था सो कर लिया। किंतु पांडवों से वैर ठान कर तुम्हें बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे सुख, राज्य, मित्र और धन सभी का सफाया हो जाएगा। अतः उन वीरों के साथ युद्ध करने का विचार छोड़कर तुम संधि कर लो। इसी में कुरुकुल की भलाई है। अपने पुत्र मंत्री और सेना का प्रभाव ना कराओ। इधर श्री कृष्ण जी जब करण को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर से बाहर आए तो उन्होंने उससे तीक्ष्ण, मृदु और धर्मयुक्त वाक्यों में कहा, हे करण, तुमने वेद वेता ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है और उनसे परमार्थ तत्व संबंधी प्रश्न किए हैं, पर मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। तुमने कुंती की कन्या अवस्था में उसी के गर्भ से ही जन्म लिया है, इसीलिए धर्मानुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो। अतः शास्त्र दृष्टि से तुम ही राज्य के अधिकारी हो। तुम्हारे पितृ पक्ष में पांडव हैं और मातृ पक्ष में यादव। तुम मेरे साथ चलो, पांडवों को भी यह मालूम हो जाए कि तुम युधिष्ठर से भी पहले उत्पन्न हुए कुंती के पुत्र हो। फिर तो पांचों पांडव, पांचों द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे चरण छुएंगे तथा पांडवों का पक्ष लेने के लिए एकत्रित हुए राजा, राजपुत्र और वर्षिर्ण तथा अंधक वंश के सब यादव भी तुम्हारा चरण बंदन करेंगे। मेरी इच्छा है कि धौम्य मुनि आज ही तुम्हारे लिए होम करे और चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण लोग तुम्हारा अभिषेक करें। हम सब लोग भी मिलकर तुम्हारा ही राज्य अभिषेक करेंगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठर तुम्हारे युवराज होंगे और हाथ में श्वेत चंबर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे। तुम्हारे मस्तक पर भीमसेन बड़ा भारी श्वेत छत्र लगाएंगे। अर्जुन तुम्हारा रथ हाकेंगे। अभिमन्यु सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा तथा नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांच पुत्र, पंचाल राजकुमार और महारथी शिखंडी तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं भी तुम्हारे पीछे ही चला करूंगा। इस प्रकार अपने भाई पांडवों के साथ तुम राज्य भोगो तथा जप, होम और तरह तरह के मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करो। कर्ण ने कहा, हे केशव, आपने सुहृदता, स्नेह तथा मित्रता के नाते और मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है वह ठीक है। इन सब बातों का मुझे भी पता है और जैसा आप समझते हैं धर्मानुसार मैं पांडु का ही पुत्र हूँ। कुंती ने कन्या अवस्था में सूर्य देव के द्वारा मुझे गर्भ में धारण किया था और फिर उन्हीं के कहने से त्याग दिया था। उसके बाद अधिरथ सूत मुझे देख कर घर ले गए और उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे अपनी स्त्री राधा की गोद में दे दिया। उस समय मेरे स्नेह के कारण राधा के स्तनों में दूध उतर आया और उसी ने उस अवस्था में मेरा मलमूत्र उठाया। अतः धर्मशास्त्र को जानने वाला मुझ जैसा कोई भी पुरुष राधा के पिंड का लोप कैसे कर सकता है। इसी प्रकार अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदा से अपना पिता ही समझता रहा हूँ। उन्हीं ने मेरे जात कर्म आदि संस्कार भी कराए थे तथा ब्राह्मणों के द्वारा वसुषेण नाम रखवाया था। युवा अवस्था होने पर उन्हीं ने सूत जाति की कई स्त्रियों से मेरा विवाह कराया था। अब उनसे मेरे बेटे पोते भी पैदा हो चुके हैं। उन स्त्रियों में मेरा हृदय प्रेमवश
काफी फंस चुका है। अब मैं संपूर्ण पृथ्वी या सोने की ढेरियां मिलने से अथवा किसी प्रकार के हर्ष या भय से भी इन संबंधियों को छोड़ नहीं सकता। दुर्योधन ने भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठाने का साहस किया है और इसी से इस संग्राम में मुझे अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध के लिए नियत किया गया है। मैं मृत्यु, बंधन, भय और लोभ के कारण दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। अब यदि मैंने अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध ना किया तो इससे अर्जुन और मेरी दोनों ही की अपकीर्ति होगी। किंतु हे मधुसूदन, आप एक नियम इस समय कर लें, वह यह कि हमारी जो गुप्त बात हुई है वह यहीं तक रहे। यदि धर्मात्मा और जितेंद्रिय युधिष्ठर को इस बात का पता लग गया कि कुंती का प्रथम पुत्र मैं हूँ तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे और मुझे वह विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे दुर्योधन को ही दे दूंगा। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि जिनके नेता श्री कृष्ण जी और योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा युधिष्ठर ही सर्वदा राज्य शासन करें।